ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के अनुस्थित सिंथेटिक ट्रैक में पांचवी राज्य स्तरीय सीनियर एवं जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट इत्यादि खेलों में अक्षम बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप ठाकुर ने इनाम देकर भी पुरस्कृत किया। हमीरपुर के अनुस्थित सिंथेटिक ट्रैक में पांचवी राज्य स्तरीय सीनियर एवं जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्क थ्रो, चेस, शॉटपुट इत्यादि खेलों में अक्षम बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप ठाकुर ने इनाम देकर पुरस्कृत किया। सिरमौर से आए हुए अक्षम खिलाड़ी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि आंखों से अक्षम होने के बावजूद भी एथलेटिक्स में भाग लिया है और बढ़िया प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि अपनी अक्षमता को समाज के बीच में चुनौती बनाया है, जिसके चलते ही आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गया हूं। उन्होंने बताया कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 5 रजत और 3 कांस्य पदक दिलाए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि समाज सेवा में काम करते हुए 2 किडनी मरीजों सहित हिमाचल में 5 लोगों को आर्थिक मदद कर 9 लाख रुपए दिलवाए हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा हिमाचल प्रदेशवासी को प्यार भरा नमस्कार तथा अपने पूरे देशवासी को नमस्कार। शायद आप मुझे जानते भी होंगे और कुछ नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगा। मैं वीरेंद्र सिंह, पैरा एथलीट, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि 3rd क्लास में पढ़ता था, उस टाइम मेरे आँख में चोट लगी थी और मैंने अपनी विकलांगता को एक्सेप्ट किया था, समाज के बीच उसको कमज़ोर नहीं बल्कि एक चुनौती बनाया था। उसको चुनौती मानकर ही आज मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका हूँ और मैंने हिमाचल को 5 सिल्वर तथा 3 कांस्य पदक दिला चुका हूँ। आज हमीरपुर में 5वीं पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2019 हो रही है, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा, मैंने और सुनील शर्मा जी ने ऑल सिरमौर में एक चैरिटी रन की थी, जिसमें हमारे पास 5 पेशेंट थे, जिसमें हमने 9.5 लाख रुपये इकट्ठा किया था। 2 किडनी पेशेंट थे, एक मंडी से थी शशि कुमारी जी और एक सिरमौर से, उनको हमने 2,55,000 रुपये दोनों को डिवाइड किया था। 2 अपने अपंग भाई थे, उनको 1,11,000 रुपये दिए तथा 1 अनाथ बुजुर्ग थे जिनका इस समाज में 11,000 रुपये दिए। तो मैं तमाम हिमाचल प्रदेशवासियों तथा सिरमौर वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस चैरिटी में साथ दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि बाहर देशों से भी इसमें चैरिटी इकट्ठा हुई। और एक संदेश और देना चाहूँगा कि मैंने अभी 30 सितंबर को प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए रन किया था, जिसमें हमारा सफ़र 219 किलोमीटर का था, जो शिमला टू चंडीगढ़ मैंने रन किया था। तो मैंने यही संदेश, मेरा जो मेन मकसद था प्लास्टिक को हटाना है तथा अपने पर्यावरण और अपने जीवन को प्रदूषित होने से बचाना है। तो मैं आपके माध्यम से सर संदेश देना चाहूँगा अपने युवा साथी के लिए भी कि आप नशे को छोड़कर अब खेल का नशा अपनाओ तथा पढ़ाई का नशा अपनाओ, सोशल कोज का नशा अपनाओ, ताकि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम तथा अपने प्रदेश और देश का नाम आप रोशन कर सके। तो मैं विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आयुर्वेदिक विभाग में गौतम फार्मासिस्ट कार्यरत हूँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो उनका पूरा आयुर्वेदिक विभाग का पूरा सपोर्ट रहता है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय। मुख्य अतिथि पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर से प्रतियोगिता के लिए